नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका बाबा रामदेव सूरजदेव पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना रसड़ बलिया ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि सर्वे फर्स्ट चल रहा है, कंपास सर्वेक्षण। आज हम बताने वाले हैं द्विकमान तथा याम्योत्तर, यानी बियरिंग एंड मेरिडियन। हमने इससे पहले बियरिंग बताया है, लेकिन आज फिर बियरिंग की बात होगी, फिर याम्योत्तर की बात होगी। याम्योत्तर किसे कहते हैं, याम्योत्तर कितने प्रकार का होता है, और बियरिंग, आइए देखते हैं बियरिंग। आज द्विकमान, देखिए इससे पहले हमने बताया था, मान लीजिए कि ये नॉर्थ है जिसको हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। मान लीजिए ओ बिंदु है और ये कोई सर्वे रेखा है, ये कोई सर्वे रेखा है। ओ ए जो है सर्वे रेखा है और ये नॉर्थ को दर्शा रहा है। तो ट्रू मेरिडियन और सर्वे रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम बोलते हैं बियरिंग। बियरिंग किसे कहते हैं, ट्रू मेरिडियन और सर्वे रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं बियरिंग। मान लीजिए कि ये फाई कोण है, ट्रू मेरिडियन और सर्वे रेखा के बीच में फाई कोण बनता है तो उसी को बोलते हैं बियरिंग। ठीक, पता चल गया कि बियरिंग किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि याम्योत्तर क्या होता है, यानी मेरिडियन की बात करेंगे। मेरिडियन होता क्या है, तो देखिए मेरिडियन का डिफिनेशन लिखा है कि किसी सर्वे रेखा की कोणीय दिशा, किसी सर्वे रेखा की कोणीय दिशा किसी संदर्भ दिशा से ज्ञात की जाती है तो उसे याम्योत्तर अर्थात मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन किसे कहते हैं, संदर्भ दिशा से कोणीय दिशा, सॉरी हाँ संदर्भ दिशा से कोणीय दिशा ज्ञात करते हैं तो उसी को बोलते हैं मेरिडियन। देखिए होता क्या है इसमें, मान लीजिए कि ये चतुर्थांश है, इसमें ये नॉर्थ है, साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। बात हम मेरिडियन की कर रहे हैं, तो ये कोई सर्वे रेखा है ओ ए सर्वे रेखा है, इसका एंगल ज्ञात करना है तो किसी संदर्भ दिशा से ज्ञात कर रहे हैं, यानी नॉर्थ से ज्ञात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। तो इसके संदर्भ से ज्ञात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम याम्योत्तर। क्या बोलते हैं, याम्योत्तर। देखिए याम्योत्तर के प्रकार है, वैसे जिसके संदर्भ से हम एंगल ज्ञात कर रहे हैं, यानी इसी के तो संदर्भ से, नॉर्थ के संदर्भ से ज्ञात कर रहे हैं ओ ए का एंगल, उसी को हम बोलते हैं याम्योत्तर। आइए देखते हैं आगे है कि याम्योत्तर निम्न तीन प्रकार के होते हैं। याम्योत्तर जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सत्य याम्योत्तर जिसको ट्रू मेरिडियन बोलते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर अर्थात मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक होता है स्वैच्छिक याम्योत्तर। इस तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये है क्या। देखिए पहला देखते हैं सत्य याम्योत्तर, ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन होता है एक्चुअली सत्य याम्योत्तर की दिशा अपरिवर्तनीय तथा यथार्थ है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन है वो जो ट्रू मेरिडियन है वे अपरिवर्तनीय है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यथार्थ यानी सत्य है, यानी समय के साथ साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आज जितना मान है सत्य याम्योत्तर का वो कल भी होगा, समय बीतने पे वही होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जाएंगे तो ट्रू मेरिडियन का मान वही होगा, चेंज नहीं होता है। ठीक है, सत्य याम्योत्तर को हम एजिमथ भी बोलते हैं, सत्य याम्योत्तर को हम एजिमथ भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे बात कर दिया है चुंबकीय याम्योत्तर की, तो चुंबकीय याम्योत्तर जो होता है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। आज चुंबकीय याम्योत्तर का मान कुछ और है तो समय बीतने के बाद कुछ और होगा, किसी जगह पे चुंबकीय याम्योत्तर का मान कुछ है तो वो पहाड़ी एरिया पे जाने के बाद चेंज होता है, यानी समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। जैसे हम बात करते हैं चुंबकीय बलों की भिन्नता के कारण, चुंबकीय बलों की भिन्नता के कारण मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो बदलता रहता है, भिन्न भिन्न होता रहता है। ठीक है, अब बात कर ली जाएगी स्वैच्छिक याम्योत्तर क्या होता है। स्वैच्छिक मतलब स्वच्छता अनुसार, सुविधा अनुसार, सुविधा अनुसार जिसको हम याम्योत्तर मान लेते हैं उसी को स्वैच्छिक याम्योत्तर कहते हैं। जिसे मान लीजिए कि कोई छोटा क्षेत्र है और पारस्परिक स्थिति ज्ञात करना है तो अपनी सहूलियत से हम जैसे चिमनी है या कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है उसी को हम मान लेते हैं कि यही मेरा याम्योत्तर है।
अपनी सहूलियत के अनुसार मान लेते हैं उसी हम स्वैच्छिक याम्योत्तर कहते हैं। देखिए सत्ययाम्योत्तर की बात होगी तो एक बार देख ले रहे हैं सत्ययाम्योत्तर के बारे में, फिगर से समझ लीजिए। ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जो नॉर्थ होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। बात हो रही है ट्रू मेरिडियन की। ये क्या होता है कि चेंज नहीं होता है, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक स्थान पे उससे दूसरे स्थान पे जाएंगे तो वही मान रहता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और मान लीजिए कि ये कोई ओ ए रेखा है जिसको बोलते हैं हम सर्वे रेखा, ये सर्वे रेखा है, इसी से जो एंगल है ये एंगल है। अब देखिए ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन से अगर सर्वे रेखा का मान मापेंगे तो इसे तो आपको पता है कि बियरिंग कहते हैं, लेकिन इसे हम कहेंगे ट्रू बियरिंग। देखिए ध्यान कुछ नहीं करना है, ट्रू मेरिडियन से अगर रेखा का बियरिंग मापेंगे तो उसे हम कहेंगे ट्रू बियरिंग, ठीक है। उसी तरह से बात होगी, मान के चलिए उसी तरह से अब मैग्नेटिक मेरिडियन की बात हो जाएगी। जैसे ये मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये तो ट्रू मेरिडियन मेरा है। लेकिन अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन की। मैग्नेटिक मेरिडियन हमेशा चेंज होता रहता है। ये क्या हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन को शो कर रहा है। अगर किसी सर्वे रेखा, मान लीजिए ये ओ ए कोई सर्वे रेखा है, इसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन से अगर एंगल मापेंगे तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। बात समझ में आई। जैसे हमने बताया ये मान लीजिए कि ये ट्रू बियरिंग है, जो नॉर्थ को दर्शाता है उसको हम ट्रू बियरिंग बोलते हैं। ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग से यदि एंगल मापेंगे तो इसे हम कहेंगे हमने देखिए थोड़ा सा ट्रू मेरिडियन बोलते हैं इसको, और ट्रू मेरिडियन से जो एंगल मापते हैं उसको हम ट्रू बियरिंग बोलते हैं, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल मापते हैं उसे मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। उसी तरह से स्वच्छता के अनुसार हम जो याम्योत्तर मान लेते हैं अगर उससे किसी रेखा का एंगल मापते हैं तो उसे हम स्वैच्छिक बियरिंग बोलते हैं, ठीक है। यदि कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब है कि यदि ट्रू मेरिडियन से किसी सर्वे रेखा का एंगल मापेंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रू बियरिंग, उसी तरह से अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल मापेंगे किसी सर्वे रेखा का तो उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। अगर हम स्वैच्छिक याम्योत्तर से किसी सर्वे रेखा का कोण मापेंगे तो उसे हम बोलेंगे स्वैच्छिक बियरिंग। तो ये बात हुई, आज के लिए इतना ही कंपास सर्वे की बात हुई। कंपास सर्वे में आज हमने याम्योत्तर के बारे में बात किया। तो दोस्त क्या होता है लंबा वीडियो बन जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अगर अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास तुरंत चला जाएगा, तो इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।